हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लॉसेस इन पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉसेस इन पाइप्स यानी पाइप फ्लो में जो लॉसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ लॉसेस जो है, जब पाइप फ्लो की हम बात करते हैं लॉसेस इन पाइप, तो इसका मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या है लॉसेस का? एनर्जी लॉस। क्योंकि क्लोज कंड्यूट में पाइप अगर क्लोज्ड है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, तो मास लॉस होगा नहीं और एनर्जी लॉस जो है वो हमेशा होगा पाइप के फ्लो के अंदर। क्योंकि जब भी पानी फ्लो करता है, सपोज़ करिए एक पाइप है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसके साथ दो चीज़ें हमेशा जुड़ी हुई होंगी। एक तो उसकी विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी जो कि फ़्लो को रेजिस्ट करेगी, उस पाइप में वाटर के फ्लो को या लिक्विड के फ़्लो को, जो इंटरनल प्रॉपर्टी है लिक्विड की के वो फ्लो को रेजिस्ट करती है। तो विस्कोसिटी की वजह से वहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा, और दूसरे इस पाइप की रफनेस, जिस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो सरफेस है उसकी रफनेस की वजह से भी यहाँ फ्लो को रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें फ्लो को रेजिस्ट करेंगी, और फ्लो को रेजिस्ट जब ये करेंगी तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो फ्लो की एनर्जी इस्तेमाल होगी या फ्लो की एनर्जी जो लॉस होगी उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस। और इन जनरल आप कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो पाइप के अंदर अगर क्लोज कंड्यूट के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट होता है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन की का थ्योरम है और इसकी डिटेल हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले लेक्चर में प्रोवाइड किए, जिसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो अब एनर्जी लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो लॉसेस इन पाइप जब भी हम कहेंगे तो इसका मतलब एनर्जी लॉस इन पाइप। तो विस्कोसिटी और जो रफनेस ऑफ पाइप है, इसकी वजह से जब हम पाइप फ्लो के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो ये एनर्जी लॉस जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉसेस इन पाइप। एक है मेजर लॉस और एक है माइनर लॉसेस। मेजर लॉस और माइनर लॉसेस, तो जब वाटर फ्लो करता है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, तो उसके अंदर जो मेजर लॉस होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो जो मेजर लॉस है पाइप फ्लो के अंदर वो फ्रिक्शनल लॉस कहलाता है, फ्रिक्शनल लॉस। मेजर लॉस सिर्फ एक है, फ्रिक्शनल लॉस। और माइनर लॉसेस, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, आपने इसको बेंड कर दिया पाइप को। अब बेंड कितने डिग्री पे किया, 90 डिग्री पे किया, 45 डिग्री पे किया, इसके हिसाब से भी लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे माइनर लॉसेस कई सारे होते हैं। बेंड लॉस है, अचानक से डायमीटर चेंज कर दिया, डायमीटर बढ़ गया, या ग्रेजुअली चेंज किया तो डायमीटर अगर इंक्रीज कर गया तो उसकी वजह से भी लॉस होगा। इसको कहते हैं सडन एक्सपेंशन की वजह से लॉस। डायमीटर डिक्रीज हो गया, पहले डायमीटर ज़्यादा था पाइप का, फिर वो डिक्रीज कर गया। तो इसको कहते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी लॉस होगा। और इसी तरीके से ग्रेजुअल एक्सपेंशन और ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता अगर पाइप का डायमीटर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसकी वजह से भी लॉसेस होंगे। इसके अलावा एंट्रेंस लॉस है, कोई पाइप आ रहा है
और ये कोई टैंक है या कोई रिवर है उसमें एंटर कर गया, तो एंट्रेंस पे जो लॉस होगा वो लॉस भी एंट्रेंस लॉस। इस तरीके से माइनर लॉसेस हैं, मेजर लॉस ये है फ्रिक्शन की वजह से। तो हम लॉसेस इन पाइप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस। माइनर मेजर लॉस सिर्फ फ्रिक्शनल लॉस है, और माइनर लॉसेस में कई सारे लॉसेस है, बेंड लॉस है, सडन एक्सपेंशन है, सडन कॉन्ट्रैक्शन है, एंट्रेंस लॉस है, इस तरीके से कई सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं। लेकिन माइनर लॉसेस में जो सबसे बड़ा होता है, माइनर लॉसेस में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा लॉस है? सडन एक्सपेंशन। सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस माइनर लॉस में सडन एक्सपेंशन में होगा। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि लॉसेज इन पाइप ये दो भाई हैं, मेजर लॉस और माइनर लॉस। तो माइनर लॉस का जो सबसे बड़ा लड़का है वो सडन एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते रख सकते हैं कि माइनर लॉसेज में जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सडन एक्सपेंशन की वजह से होगा। तो आज हम फ्रिक्शनल लॉस के बारे में या मेजर लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका थ्योरिटिकल बैकग्राउंड और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शनल लॉस के बारे में। फ्रिक्शनल लॉस को हम हेड लॉस के टर्म में और एनर्जी हेड के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन की वजह से वो बराबर होता है FLV² / 2GD। तो सपोज करिए ये एक पाइप है, इसकी ये एल लेंथ है। एल लेंथ के अंदर जो हेड लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा पाइप में, एनर्जी लॉस मेजर लॉस जो होगा वो होगा FLV² एल जो है लेंथ ऑफ पाइप है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ये कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ पाइप, एंड एफ फ्रिक्शन फैक्टर। एफ क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर। एल लेंथ ऑफ पाइप, डी डायमीटर ऑफ पाइप, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एच एल हेड लॉस, एच हेड को रिप्रेजेंट करता है और एल लगा दिया तो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच एल हेड लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डार्सी विशबेक इक्वेशन, डार्सी विशबेक इक्वेशन। अब इस फॉर्मूले में हमें लेंथ मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आप 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, और डी डायमीटर ऑफ पाइप है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। एफ जो है फ्रिक्शन फैक्टर है, और एफ जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फ्लो पे और रफनेस ऑफ पाइप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेजर जो रोल है वो टाइप ऑफ फ्लो का है। यानी ये फ्रिक्शन फैक्टर जो है एफ, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो अगर ये पाइप है तो इसमें फ्लो किस तरीके का हो रहा है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, यानी फ्लूड प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करेगा, और जिस मटेरियल में फ़्लो हो रहा है यानी मटेरियल जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल का सरफेस रफ है या स्मूथ है। ओवरऑल हम फ्रिक्शन फैक्टर को अगर बेसिक इक्वेशन जो अभी डार्सी विशबेक इक्वेशन लिखी हमने, एच एल
इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। तो इसमें अगर लेमिनार फ्लो है तो हम एफ की वैल्यू लेते हैं 64 अपॉन आर ई, यानी रिनॉल्ड नंबर। रिनॉल्ड नंबर के हिसाब से फ्लो कैसे लेमिनार होगा और कब टर्बुलेंट होगा, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो रिनॉल्ड नंबर अगर ये लेमिनार फ्लो है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़फुल होगा, लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो एफ की वैल्यू 0.3164 अपॉन आर ई, यानी रिनॉल्ड नंबर रेज टू पावर 1/4 और 0.25, ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर की। तो इस तरीके से हम जो है दोनों केसेस में फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हेड लॉस निकाल सकते हैं कि टोटल मेजर लॉस या फिर फ्रिक्शनल लॉस कितना होगा। तो अगर हम लेमिनार फ्लो की बात करें और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें हेड लॉस की इक्वेशन को, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर की जगह 64 अपॉन आर ई, यानी रिनॉल्ड नंबर, इंटू एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, कैंसिल हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब रिनॉल्ड नंबर हमें मालूम है, रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, म्यू क्या है, विस्कोसिटी। तो हम लिख सकते हैं हेड लॉस इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू डी अपॉन रो वी डी, ये यहाँ कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डायमीटर को, तो यहाँ पे भी कैपिटल डी से ही रिप्रेजेंट कर, तो रो वी डी अपॉन म्यू, ये रिनॉल्ड नंबर की जगह आ गया, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, रो डी इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा और रो जी हो जाएगा, म्यू जो है ये ऊपर चला जाएगा, 32 यहाँ पे मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं हेड लॉस इज इक्वल टू 32, ये म्यू ऊपर आ जाएगा, म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है हेड लॉस की, ये सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेगन पोइजिल इक्वेशन, ये हेड लॉस की इक्वेशन है जो कि लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होती है, 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, जहाँ पे डी डायमीटर है, एल लेंथ ऑफ पाइप है, वी एवरेज वेलोसिटी है, म्यू जो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 9.81 के बराबर लेते हैं। एक्चुअली जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये रिनॉल्ड नंबर के साथ वेरी करता है, कुछ वेरिएशन इस टाइप का होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस पे फ्रिक्शन फैक्टर लें तो वेरिएशन कुछ इस टाइप का होता है। लेमिनार फ्लो के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 64 अपॉन आर ई के बराबर है, ये रिनॉल्ड नंबर है आपका, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर है, और ये डिफरेंट के एस की वैल्यू यानी जो मटेरियल रफनेस है उसके लिए ये अलग अलग कर्व्स आते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये इस टाइप का कर्व आता है जो कि 0.3164 अपॉन आर ई की पावर 1/4 के बराबर होता है।
तो यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा है, यानी हम लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व को देखने के बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर हम बढ़ा दें, यानी फ्लो को लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ ले जाएं, तो हेड लॉस जो है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी है डार्सी विचबेक इक्वेशन से। तो अगर हेड लॉस जो है आपका फ्रिक्शन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेनॉल्ड नंबर बढ़ाने से फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में टर्बुलेंट फ्लो में हेड लॉस कम होना चाहिए, मेजर लॉस कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये हेड लॉस जो है प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शन फैक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हेड लॉस जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो सपोज़ करिए अगर एक केस हम कंसीडर करें कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 1/3 है एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो, इसका 1/3 रह गया, लेकिन वेलोसिटी अगर हम एज्यूम करें कि वेलोसिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो जो है वो 3 times है वेलोसिटी ऑफ लेमिनार फ्लो के, तो क्या होगा जब हम यहाँ पे 1/3 की वैल्यू लिखेंगे एच एल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर की जगह टर्बुलेंट फ्लो का फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा, तो 1/3 ऑफ एफ एल हो जाएगा लेमिनार फ्लो, यानी इंटू एल इंटू वेलोसिटी की जगह हम टर्बुलेंट फ्लो का अगर हम वेलोसिटी रख देते हैं तो 3 times है वेलोसिटी ऑफ लेमिनार फ्लो के, तो फिर ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और नीचे डायमीटर कांस्टेंट रहेगा। तो क्या होगा कि ये 3 square होगा और यहाँ पे 1/3 होगा, तो ये ओवरऑल 3 times एफ एल इंटू एल इंटू वी एल स्क्वायर आएगा अपॉन 2gd, यानी कि हेड लॉस जो टर्बुलेंट फ्लो में होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 3 times हो जाएगा। ये एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि अगर हम वेलोसिटी को 3 times इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर 1/3 हो जाएगा। ये एजम्पशन है समझाने के लिए कि जैसे जैसे हम अगर ये सोच रहे हैं कि रेनॉल्ड नंबर बढ़ने से हमारा हेड लॉस कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी के स्क्वायर के टर्म्स में है, इसलिए ओवरऑल हेड लॉस जो है वो इंक्रीज होगा। अब इसके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे। लेबोरेटरी में जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हमें फ्रिक्शन फैक्टर मालूम करना होता है, और वो हम कैसे करते हैं, सपोज़ करिए ये एक पाइप है जिसका हमें फ्रिक्शन फैक्टर मालूम करना है, तो इस पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि दो पॉइंट पे सपोज़ करिए ये लेंथ है आपकी, एल लेंथ है आपकी पाइप की, और आप इसमें फ्रिक्शन फैक्टर मालूम करना चाह रहे हैं इस पाइप का, तो यहाँ और इस जगह पे इन दोनों पॉइंट पे ए और बी पॉइंट, ये 2 points हैं आपके, इनके बीच में पाइप की लेंथ आपकी एल है, तो इन दोनों पॉइंट पे आप क्या करेंगे, जैसा पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में, उसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे पीजोमीटर लगा देंगे, जब दोनों जगह पे आप पीजोमीटर लगाएंगे तो पीजोमीटर से आपको क्या पता लग जाएगा प्रेशर हेड, तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हेड जो है प्रेशर हेड वो डिक्रीज करेगा, ये डायमीटर कांस्टेंट है पाइप का और एक ही हाइट पे है, ये सेम एलिवेशन पे है, तो यहाँ पे हेड सपोज कर ये एच वन आया आपका, ये हेड जो है आपका एच वन है और यहाँ पे आपका हेड
H2 आया, तो H2 जो है वो H1 से कम होगा। ये किस वजह से? एनर्जी लॉस की वजह से। और यही डिफरेंस इन हेड जो है हमारा, एनर्जी लॉस होता है HL। तो हमें हेड लॉस मालूम हो गया, HL जो है वो H1 माइनस H2 के बराबर होगा। अब हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, तो हेड लॉस जो है आपका FLV² / 2GD के बराबर है। तो आप F को क्या लिख सकते हैं? F हो जाएगा HL × 2GD / LV². तो यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ पाइप मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 लेंगे, लेंथ ऑफ पाइप मालूम है आपको, और एवरेज वेलोसिटी आप जो इस पाइप से डिस्चार्ज जा रहा है उसे टैंक में कलेक्ट करिए, और कितने टाइम में आपने कलेक्ट किया, वॉल्यूम अपॉन टाइम से कलेक्शन टैंक में जितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई, सपोज़ करिए 10 सेकंड में, उससे आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। और डिस्चार्ज को जब इस पाइप के एरिया से, पाइप का डायमीटर आपको मालूम है, तो डिस्चार्ज को जब आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर ये सर्कुलर पाइप होगा तो π/4d² से डिवाइड करने पे आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है लैब के अंदर किसी भी पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन फैक्टर, जैसा कि आपको पहले भी बताया, कि दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ फ्लो क्या है, और दूसरी चीज़ ये रफनेस ऑफ पाइप कितनी है। तो रफनेस ऑफ पाइप जो है रफनेस ऑफ पाइप मटेरियल, इसको हम KS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम के साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे पाइप पुराना होता जाता है, इसके अंदर डस्ट और रस्टिंग होती रहती है, तो इसका सरफेस रफ होता चला जाता है। इसके लिए एजिंग ऑफ पाइप का एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेबोरेटरी में फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। आपको वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी, डायमीटर आपको ऑलरेडी पाइप का मालूम होगा, लेंथ आपको मेजर करनी है, या गिवन लेंथ होगी जहाँ दो पीजी मीटर लगे होंगे उनके बीच की लेंथ आपको लेनी होगी, और ये हेड लॉस आपको मेजर करना होगा। इस पाइप में प्रेशर हेड कितना है, इस पीजोमीटर में प्रेशर हेड कितना है, और इस पीजोमीटर में प्रेशर हेड कितना है, ये एक्सपेरिमेंट आप अलग अलग डिस्चार्ज के लिए कर सकते हैं। H1 और H2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसके हिसाब से आप फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो।